अपराह चारिटा बेल पर्यंत गृह को मुलतवी कराई बीजेपी सदस्य मैंने आसिले आम प्रतिक्रिया नेबा जे से आज से ही सामान ढंग से प्रतिवाद कर दिव्यशंकर मिश्र बहिष्कार दावी कर प्रतिक्रिया नवा आज्ञा कौन आम जो दावी रही गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार करवा सीबीआई तदंत घोषणा करवा ये जिन दु दाबी आम अटल अच्छु आम आज भी आम प्रतिभा जनइलु आचस्पति बंद करदे शासक दल कौन मुख्यमंत्री स्टेटमेंट रखि सारे विरोधी मैंने ड्रामा कर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट रखिंट आज आम दृढ़तार सहित कहूँ जोटा कि संविधान असंविधान हिसाब से रेकर्ड बजाऊ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुंदरगढ़ कलाहांडी चारिड़े जा पारे विधानसभा आसी पार ना तेणु ये रेकर्डिंग बजाऊ आ जो रेकर्डिंग मध्यम भी जहाँ आम कागज मध्यम पाइल से जो जहाँ नवेदन करकार आम ग्रहण कर पारना कारण से बेस छलना अच्छे से छलना आज कलाहांडी जाते बड़े ममिता कथा मन पड़ानी से तो ममिता पदटे मुह कले आ बाकी जो विजु स्वास्थ्य कार्ड बंटन जाऊँच से समय कौन जगह ममिता कथ जिते विधानसभा तीन दिन अचल अवस्था है एवं ममिता कथा मन पड़ा तेणु कथा हूँ छलना भरी आज कल भी आम तो कही यदि तुम्हें जितने मान्यवर मुख्यमंत्री 1999 मसीह जो तेने अंजना मामला समय रे, सेते बेले जो दाबी करते स्पर्शकातर विषय बोली लोक अपील करते बंद डाकरा देते सीधा सड़क मुख्यमंत्री से समय तत्कालीन मुख्यमंत्री को दायी करते गादी छाड़ बोली घोषणा करते बंद घोषणा करते तो आई जो ये स्पर्शकातर विषय ममिता कथा होती आम ये कथा उठेला बेलू लगुच राजनीति तेणु ये कमी तुम्हें जोटा कहला सर ठीक आम एवं कहला सर बेठिक ये हम ना ये लोक मान भुआ बुलाई प्रयास करण से ये ममिता को दरद देखा जिते ताठू बेसी दिव्यशंकर मिश्र को घंट घोड़ापाई ये प्रयास पुणी थे आज भी नाराबाजी चलती विधानसभा भितर कहतु विधानसभा परिसर कथा कहतु बीजेपी बात्या कर बात्यार प्रभाव हे तो कमी जा किंतु ममिता ताती गृह कमिनी एवं आपण मैंने सीधा सड़क दृश्य देखिपी उभय बीजेपी और कांग्रेस प्रतिक्रिया भी आम शुणुले ममिता प्रसंग को सेमाने छाड़े ना जो पर्यंत कैप्टेन इस्तफा देना एवं ममिता को न्याय मिलूनी आलोचना करवा आज्ञा आपत आज सामान ढंग से प्रतवाद कर गत काली मुख्यमंत्री जो उत्तर रखिले सन्तुष्ट अच्छा ना आम सन्तुष्ट ना देखु से जो प्रकार बृत्ति दे सबुद सेमता दिंती सेम रूप सेम चेहरा सेम स्टैचू से जो प्रकार बृत्ति काली कैसेट बाजी आउ से निज मुहर से कही नहांती नहले से मुख्यमंत्री है कि जड़े से मान पॉलिटिक्स कर ना कही न था जड़े लिखी से जड़े कही से काली विवृति दे पवित्र गृह विधानसभा आमको दुख लगुच सुंदरगढ़ गले कलाहांडी गले कौ मयूरभ तो गले किंतु यही पवित्र गृह विधानसभा नेतार आसवा कथा किंतु से मुख्यमंत्री आसुना आमको बहुत दुख लगुच साढ़े 4 कोटी लोक पचारुछंती मुख्यमंत्री कुआडे गले कहीं आसुना तो से भितर कौ बृत्ति थी आपण मैंने चिंता करूँ आ जो प्रकार बृत्ति देने आमपाई ठीक नुह एवं ममिता भौणी को से न्याय देले नहीं ये चिरा चरित्र प्रथा अच्छी कथा निजे खोद मान्यवर गृहर जी मुख्य मान्यवर मुख्यमंत्री सी आसिक गृह स्टेटमेंट दवा कथा ये गोटे भिजुआल मध्यम भिसी माध्यम रे जो कैसेटा को बजे देकर एक्टिंग करा अत्यंत निंदनीय कथा तेणु ये ममिता को न्याय मिलवा कहीं आमको लगुन सुभाष बाबू आपको लगुच मुख्यमंत्री जो कथा कहले विरोधी राजनीति करछन्ती प्रकृति में विरोधी राजनीति कर शासक दल राजनीति किए राजनीति कर शासक दल राजनीति कर विरोधी दल राजनीति करना शासक दल नाटक चल कि विरोधी दल न्याय मागुच ममिता हत्यार न्याय मागुच अंजना मिश्र समय रे मुख्यमंत्री वर्तमान जी अच्छे नवीन पट्टनायक से सीबीआई तदन दाबी करते सीबीआई को दिया ना से केस से पर्यटन से लड़े करते कि वर्तमान ममिता केस रे कहीं डबल स्टैंडर्ड नहीं देखो से माने तो वर्तमान पर्यटन मंत्री को
ନିରାପଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନୀତି ଧରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ପଶିବାର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଯାଏ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ପଶି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେ ନିଜେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ କଟକରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ରାଜନୀତି ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ବିଜେପି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମମିତା ହତ୍ୟା କେସ୍ରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିବ, ସରକାର ତ ଆକୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାର ହେଉଛି ମୁକ ବଧିରର ସରକାର, ଆକୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଏବଂ ସବୁ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାଉଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବିଧାନସଭା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ଆମ ତ ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ନା ରେକର୍ଡ ବାଜୁଛି, ଯେହେତୁ ମାସ୍କ ଭିତରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ତ ଡାଉଟ୍, ସେ ବିବୃତ୍ତି ତ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି କି ଶୁଣିପାରିଲୁନି, ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଜିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି, ଇଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ଏବଂ ଏ ସରକାରକୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏ ସରକାରର କର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ଆମର ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ସରକାରର କାନକୁ ଯିବ।